ओके, तो हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है हु किल्ड सारा। ये सीरीज एक स्लो पॉइजन की तरह है जो धीरे धीरे हमारे दिमाग पर चढ़ती है और इसका हर एक एपिसोड के ट्विस्ट एंड टर्न लिटरली हमें सरप्राइज करते हैं। पर इस सीरीज में न्यूडिटी और वायलेंस काफी ज्यादा है, इसलिए फैमिली के साथ देखने का ट्राई तो बिल्कुल ही मत करना। तो स्टार्ट करने से पहले अगर गलती से चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू जस्ट स्टे विद अस एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है जहां सारा अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ पैराग्लाइडिंग कर रही होती है और सभी लोग काफी इंजॉय भी कर रहे होते हैं। तभी सारा को रियलाइज होता है कि रस्सी कटी हुई है और 4 में से 2 हार्नेस भी टूटे हुए हैं, इसलिए वो अपने भाई एलेक्स को हेल्प के लिए बोलती है। एलेक्स को रियलाइज हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो रुडोल्फो जो कि सारा का बॉयफ्रेंड होता है उसे बोट की स्पीड कम करने के लिए बोलता है। पर रुडोल्फो को लगता है कि सारा बस यूं ही डर रही है, इसलिए वो बोट की स्पीड को बढ़ा देता है जिससे रस्सी टूट जाती है और सारा पानी में गिर जाती है और उसकी मौत हो जाती है। स्टार्टिंग में ये सब एक एक्सीडेंट की तरह लग रहा होता है, पर कोर्ट सारा के मर्डर के लिए एलेक्स को 30 साल की सजा सुना देती है, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि एलेक्स ने रुडोल्फो को मारने की कोशिश की है क्योंकि एलेक्स को सारा की प्रेगनेंसी की बात पता चल गई थी, पर अनफॉर्चुनेटली सारा की मौत हो जाती है। तो सारा की मौत के बाद सीजर जो कि रुडोल्फो का डैड होते हैं वो एलेक्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो सारा इल्जाम अपने पर ले ले और पुलिस को झूठ बोल दे कि सारा को पैरासूट उसने पहनाया था, और क्योंकि ये केवल एक एक्सीडेंट का केस है इसलिए उसे कुछ हफ्तों या फिर महीनों की सजा के बाद छोड़ दिया जाएगा। बदले में वो प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मॉम को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सारा खर्च उठाएगा। तो एलेक्स की मॉम की किडनी में प्रॉब्लम थी इसलिए उन्हें हमेशा ब्लड ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती थी। हालांकि चैमा इसका अपोज करता है कि वो लोग एलेक्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, पर एलेक्स सीजर की बात मान जाता है। पर एलेक्स को 30 साल की सजा हो जाती है और सीजर उसे छुड़ाने के लिए कुछ भी नहीं करता और ना ही उसकी मॉम का इलाज कराता है जिससे उसकी मॉम की भी मौत हो जाती है। 18 साल बाद एलेक्स के अच्छे बिहेवियर की वजह से उसकी सजा कम कर दी जाती है और उसका लॉयर उसे बताता है कि वो अगले दिन छूट जाएगा। एलेक्स बताता है कि लेज़कानो फैमिली की वजह से उसकी पूरी फैमिली खत्म हो गई, इसलिए अब वो उन्हें खुद ही सजा देगा, फिर चाहे उसके लिए उसे अपनी पूरी लाइफ जेल में ही क्यों ना काटनी पड़े। वहीं कार्लोस नाम का बंदर जो जेल में एलेक्स का फ्रेंड होता है वो एलेक्स को अपने बैंक के लॉकर की चाबी देता है जिसमें सीजर के खिलाफ हर वो सबूत होते हैं जिससे वो लेज़कानो को खत्म कर सकता है, जिसे उसने अरेस्ट होने से पहले लॉकर में रख दिया था। पर फिलहाल हमें नहीं पता कि कार्लोस ऐसा क्यों करता है। अगले दिन एलेक्स जेल से छूट जाता है और अपने घर जाता है, जिसके बाद वो बैंक जाकर कार्लोस को लॉकर को खोलता है जिसमें काफी सारे पैसे होते हैं। दूसरी तरफ सीजर अपने कैसीनो में रुडोल्फ की सीईओ बनने की खुशी में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करता है जहां सीजर चैमा के बॉयफ्रेंड लॉरेंजो से मिलता है। चैमा एक गे है और ये बात उसके डैड सीजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए अब चैमा और सीजर की आपस में नहीं बनती। सीजर लॉरेंजो को बोलता है कि ये सब रोजे मारियो यानी चैमा का होता, बस उसने एक गलती कर दी कि उसे लड़कियों की जगह लड़के पसंद है। इसके बाद एलेक्स कैसीनो के सारे कैमरों को हैक कर लेता है और बोलता है कि सारा की मौत कोई एक्सीडेंट नहीं थी बल्कि उसका मर्डर हुआ था और वो लोग जल्दी मिलेंगे। जिसके बाद एलिसा रुडोल्फो से एलेक्स के बारे में पूछती है कि आखिर ये बंदा कौन है और वो क्यों उसकी फैमिली पर उसकी बहन का मर्डर का इल्जाम लगा रहा है, पर रुडोल्फो उसे कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद एलिसा रुडोल्फो की गाड़ी का पीछा करती है। रुडोल्फो एलेक्स के घर जाता है पर बाहर से ही उसे देखकर वापस आ जाता है। जिसके बाद एलेक्स को एक प्राइवेट नंबर से मैसेज आता है। एलेक्स उसकी लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करता है पर कोई फायदा नहीं होता। वो बोलता है कि वो जानता है कि सारा को किसने मारा है, पर वो रुडोल्फो नहीं है बल्कि उसे भी इसमें ट्रैप किया गया है। तभी सीजर के आदमी एलेक्स के घर पर अटैक करते हैं, पर उनका इंटेंशन केवल एलेक्स को डराने का होता है और एलिसा बाहर से ये सब देख रही होती है। जिसके बाद एलिसा एलेक्स के घर के अंदर आती है जहां वो देखती है कि एलेक्स ने उसकी फैमिली के फोटोज वॉल पर लगा रखे हैं। जिसके बाद वो एलेक्स को हॉस्पिटल लेकर जाती है। एलेक्स के होश आने के बाद एलिसा एलेक्स से मिलती है। एलिसा एलेक्स को झूठ बोलते कि उसका नाम मरिया है और एलिसा बोलते कि अगर वो चाहे तो उसके लिए गवाही दे सकती है, उसने सब देखा है। पर एलेक्स बोलता कि वो जानता है ये सब किसने किया है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। वहीं सेजियो कुछ लड़कियों को लेकर कैसीनो के बेसमेंट में आता है। तो सेजियो और सीजर कैसीनो में प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चला रहे होते हैं और वो ऐसी लड़कियों को लेकर आते हैं जो ना तो उनकी लैंग्वेज समझती हो और ना ही बोलती हो, पर ये बात उनकी फैमिली मेंबर में से किसी को भी पता नहीं होती। एलेक्स दोबारा उस अननोन पर्सन से बात कर रहा होता है और उससे उसका नाम पूछता है और वो एलेक्स को एक फोटो भेजता है जो डायना द हंटर का होता है, तो हम लोग इसे फिलहाल डायना ही बोलेंगे, जो एक लड़की है। तो डायना एलेक्स को एक वीडियो भेजती है और बोलते है कि वो वीडियो उसी ने रिकॉर्ड किया है। दूसरी तरफ मरियाना अपने थाई पर एक क्लाइस चैन पहनती है जिसके कारण उसके पैर पर काफी सारे चोट के निशान होते हैं। तो कैथोलिक चर्च में क्लाइस को पहना जाता है खुद को पनिश करने के लिए, उस सिंस के लिए जो उन्होंने अपने पास्ट में किया हो।
अब मरियाना ने अपने पास में ऐसा क्या किया है जिसके लिए वो खुद को पनिश कर रही है, ये हमें बाद में पता चलेगा। एलिसा रुडोल्फ से मिलती है और उसे बोलते है कि क्या उसने एलेक्स को मारने के लिए लोगों को भेजा था, पर तभी उसके डैड वहां आ जाते हैं। उधर एलेक्स मरियाना को फोन को हैक करने के लिए उसके फोन पर एक मैसेज भेजता है, जिसे क्लिक करने के बाद एक ऐप उसके फोन में इंस्टॉल हो जाता है और अब एलेक्स मरियाना के फोन पर पूरी तरह से नजर रख सकता है। वहीं चेमा एलेक्स के कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहा होता है, तभी लॉरेंजो वहां आ जाता है। लॉरेंजो और चेमा एक बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक सरोगेट मदर की जरूरत है। वहीं एलिसा एलेक्स के घर जाती है। एलिसा बोलते कि बस वो देखना चाहती थी कि वो ठीक है, पर एलेक्स को उस पर डाउट होता है। एलिसा देखते कि एलेक्स ने उसका मॉम का फोन हैक कर लिया है। वहीं मरियाना को डाउट होता है कि उसका फोन कहीं एलेक्स ने हैक तो नहीं किया और वो इस बारे में एलरॉय से पूछती है। एलरॉय बोलता है कि उसे ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद एलिसा रात में अपने घर जाती है और अपने मॉम की फोन को पानी में डाल देती है। वहीं सोफिया रुडोल्फ को सिड्यूस करने की कोशिश करती है क्योंकि उनकी शादी को अब 5 साल हो चुके हैं और सोफिया को एक बच्चा चाहिए। अगले दिन ब्रूनो के क्लास में सबके फोन में एक मैसेज आता है कि उसके डैड मर्डरर हैं, जिस बात को लेकर ब्रूनो का एक लड़के के साथ लड़ाई हो जाता है। जिसके बाद रुडोल्फो को स्कूल में बुलाया जाता है। रुडोल्फो ब्रूनो का स्टेप डैड है। रुडोल्फो ब्रूनो को डांट रहा होता है, तभी सीजर वहां आ जाता है और ब्रूनो को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। एलेक्स डायना से दोबारा बात करता है और पूछता है कि अगर रुडोल्फो ने उसकी बहन को नहीं मारा तो उसके पास इस बात का क्या प्रूफ है। डायना बोलते कि उस दिन रुडोल्फो पैराशूट के आसपास भी नहीं गया था और एक चाकू की फोटो भेजता है और ये वही चाकू होता है जो एलेक्स ने चेमा को दिया था। चेमा शॉपिंग कर रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात क्लैरा से होती है। क्लैरा और चेमा बचपन के फ्रेंड है। क्लैरा की मॉम चेमा के घर पर काम किया करती थी। दूसरी तरफ मरियाना को एक पार्सल आता है जिसमें वो चाकू होता है जिसे वो देखकर डर जाती है और साथ में एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है कि उम्मीद है आपको काफी कुछ याद होगा सारा। वहीं एलिसा एलरॉय से सारा के बारे में पूछती है। एलरॉय बताता है कि सारा के पैराशूट की रस्सी कटी हुई थी और उसके हार्नेस के 4 में से 2 हुक टूटे हुए थे। उधर एलेक्स और चेमा आमने सामने आ जाते हैं और चेमा एलेक्स को देखकर भागने की कोशिश करता है, पर उसका यह प्लान पूरी तरह से फ्लॉप कर जाता है और एलेक्स उसे पकड़ लेता है। और एलेक्स चेमा से उन वीडियो रिकॉर्डिंग्स के बारे में पूछता है जो उसने उस दिन रिकॉर्ड किया था। तो चेमा एलेक्स को काफी पसंद किया करता था और हमेशा उसके वीडियो रिकॉर्ड किया करता था, पर एक दिन सारा उसे वो गंदा वाला काम करते हुए देख लेती है। जिसके बाद सारा उसे बोलती है कि वो उसके भाई से दूर रहे, नहीं तो वो रुडोल्फो को सब बता देगी। एक दिन एक पार्टी में चेमा सारा की फ्रेंड मैरिफर से मिलता है और मैरिफर चेमा के क्लोज होने की कोशिश करती है, पर क्योंकि चेमा एक गे था इसलिए ये सब उसे वियर्ड लगता है और वो एलेक्स से जाकर बोलता है कि मैरिफर उसे भी पसंद करती है। एंड इसी दौरान चेमा एलेक्स से क्लोज होने की कोशिश करता है, पर एलेक्स को ये बात पसंद नहीं आती। जिसके बाद चेमा एलेक्स को बोलता है कि वो उसे पसंद करता है, पर एलेक्स बोलता है कि वो केवल लड़कियों को पसंद करता है, पर वो दोनों अब भी अच्छे फ्रेंड हैं। जिसके बाद चेमा घर जाकर सारे वीडियो टेप्स को डिस्ट्रॉय कर देता है क्योंकि अगर वो वीडियो सबके सामने आ गए तो उसकी काफी बेइज्जती होगी। वहीं एलिसा चुपके से खिड़की के रास्ते एलेक्स के घर में घुसती है, पर एलेक्स वहां आ जाता है और एलेक्स एलिसा से पूछता है कि वो अंदर कैसे आई, और एलिसा पहले बात को घुमाने की कोशिश करती है, पर जब उसके पास इस बात का कोई आंसर नहीं होता तो वो एलेक्स को सीड्यूस करने लगती है एंड उसका प्लान वर्क भी कर जाता है। पर एलेक्स को ऑलरेडी एलिसा के बारे में पता था और वो एलिसा को वहां से जाने के लिए बोलता है। वहीं एलेक्स को कहीं से सीजर के वो सारे एनिमल हंटिंग वाले फोटोज मिल जाते हैं। तभी रुडोल्फो एलेक्स से मिलने आता है। रुडोल्फो बोलता है कि वो उसके बेटे से बदला लेना बंद कर दे। एलेक्स बोलता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और वो 100% श्योर है कि सारा का खून हुआ था, और अगर उसने नहीं किया तो उसकी फैमिली में से किसी ने किया है। जिसके बाद डायना एलेक्स को बताती है कि वो फोटोज ब्रूनो को उसी ने सेंड किया था ताकि वो दोनों मिलकर काम करें और वो बस उसकी हेल्प कर रही है। एलेक्स पूछता कि क्या वो उसे जानता है और रिप्लाई आता है हाँ। वहीं मरियाना चेमा से चाकू के बारे में पूछती है और चेमा बोलता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है कि एलेक्स के पास ये चाकू कहाँ से आया। तभी रुडोल्फो आकर बोलता है कि किसी ने जानबूझकर रस्सी काटी थी और हमारे फैमिली में से ही किसी एक ने सारा को मारा है। वहीं एलिसा बोलती है कि एलरॉय ने भी उसे यही बताया है। मरियाना बोलती है कि सारा के हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो काफी डर गई थी, इसलिए उसने बोट पर जाकर सभी चीजों को साफ कर दिया और उस चाकू को नदी में फेंक दिया था। जिसके बाद चेमा को क्लैरा का फोन आता है, उसे जॉब से निकाल दिया गया था इसलिए उसे एक नए जॉब चाहिए थी। चेमा बोलता है कि ठीक है, वो उसके लिए कोई जॉब देखेगा। वहीं रुडोल्फो स्टीम ले रहा होता है, तभी अचानक रूम के टेम्परेचर बढ़ जाता है और डोर बाहर से लॉक हो जाता है और रुडोल्फो बेहोश हो जाता है, पर एलरॉय वहां आ जाता है और उसे बाहर निकालता है। दूसरी तरफ एलिसा एलेक्स से मिलती है और बोलती है कि वो बस उसकी हेल्प करना चाहती थी उसकी बहन का सच पता करने में। एलेक्स बोलता है कि वो उसके डैड के अकाउंटेंट से मिलना चाहता है और उसका नाम जॉर्ज रोटेगा है। वहीं सीजर
टीचर ब्रूनो को लेकर बेसमेंट में जाता है क्योंकि वो उसको एक रियल मैन बनाना चाहता था और उसे इमारा से मिलाता है। इमारा ब्रूनो को अंदर लेकर जाती है और उसे सड्यूस करने की कोशिश करती है पर वो मना कर देता है, जिसके बाद इमारा ब्रूनो से हेल्प मांगती है और उसके चेहरे पर वो डर साफ दिख रहा होता है। उधर एलिसा अकाउंटेंट से मिलती है और बोलती कि कोई है जो उसके डैड के बारे में उससे बात करना चाहता है और अगर वो उससे मिलेगा तो इसमें उसका भी फायदा है। जिसके बाद अकाउंटेंट एलेक्स से मिलने जाता है पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है और ये एक्सीडेंट किसी और ने नहीं बल्कि एलरॉय ने किया था। दूसरी तरफ ब्रूनो के दिमाग में लगातार इमारा की बात चल रही होती है। सोफिया ब्रूनो से पूछती है कि क्या वो ठीक है पर ब्रूनो उसे कुछ भी नहीं बताता। वहीं एलरॉय एक्सीडेंट वाली बात से काफी टेंशन में होता है और सारा की फोटो को देख रहा होता है। मे बी उसे सारा की मौत के बारे में काफी कुछ पता था, इसलिए एलेक्स एलरॉय को एक मैसेज करता है जो कि सारा के डायरी में लिखा हुआ होता है। सारा ने लिखा था कि उसने इस बारे में काफी सोचा लेकिन अब वो एलरॉय को जाकर सब कुछ बता देगी, मतलब सारा ने ऑलरेडी एलरॉय को काफी कुछ बता रखा था। वहीं रुडोल्फो दोबारा एलेक्स के घर आता है और बोलता है कि उसने उसे मारने की कोशिश की है पर एलिसा भी वहीं मौजूद होती है और एलिसा बोलती है कि एलेक्स ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है क्योंकि वो पूरा दिन उसके साथ था। रुडोल्फो बोलता है कि अगर डैड को उन दोनों के बारे में पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। चैमा और लॉरेंजो क्लेरा से सरोगेसी की बात करते हैं कि क्या वो उनके बच्चे की सरोगेट मदर बनना चाहेगी एंड सरप्राइजिंगली क्लेरा उस बात से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ सीजर ने कैसीनो में एक पार्टी रखी थी जिसमें वो कुछ अनाउंसमेंट करने वाला था जिसमें काफी मीडिया वाले भी मौजूद होते हैं पर एलिसा चुपके से एलेक्स को लेकर अंदर चली जाती है। ब्रूनो इमारा को ढूंढता वो बेसमेंट में चला जाता है और इमारा को बोलता है कि वो उसे यहाँ से निकाल लेगा। वहीं क्लेरा वॉशरूम में जाती है जहाँ सीजर और सोफिया एक दूसरे के मजे ले रहे होते हैं और क्लेरा उन्हें देख लेती है। एट दैट टाइम उसे पता नहीं होता कि वो लोग कौन हैं और बाद में उसे पता चलता है कि सीजर चैमा के डैड हैं और सोफिया रुडोल्फो की वाइफ। दूसरी तरफ एलेक्स कंप्यूटर को हैक कर सारे फाइल्स को ट्रांसफर कर लेता है और जब सीजर प्रोजेक्टर को ऑन करता है तो एलेक्स उसमें एनिमल हंटिंग के पिक्स और वीडियोस दिखा देता है। तभी एलरॉय वहां आ जाता है और अपने आप को गोली मारने की कोशिश करता है तो एलरॉय को बचपन में उसके डैड सेक्सुअली हरेस किया करते थे। एलरॉय के कारण उसकी मॉम की भी मौत हो जाती है और बाद में वो अपने डैड को जलाकर मार देता है, जिसके बाद मरियाना उसे अपने साथ ले जाती है और इस बात लेकर मरियाना भी उसे सेक्सुअली हैरेस करती थी और एलरॉय को सारा की डेथ के बारे में भी काफी कुछ पता था और इसलिए उस बात का उसे गिल्ट था, इसलिए वो खुद को मारने की कोशिश कर रहा था पर गार्ड एलरॉय को गोली मार देता है जिसके बाद वो एलरॉय वहीं गिर पड़ता है और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहीं सीजर एलेक्स को भागते हुए देख लेता है और उसका पीछा करता है। एलेक्स भागते हुए बेसमेंट में चला जाता है। तभी चैमा रुडोल्फो को बोलता है कि एलेक्स को बेसमेंट से निकालना होगा नहीं तो ये लोग उसे मार डालेंगे। इसी बीच ब्रूनो रुडोल्फो को बोलता है कि इमारा बेसमेंट में पड़ी हुई है और उन्हें उसे वहां से बाहर निकालना होगा पर रुडोल्फो उसकी बात को नहीं सुनता। सीजर और एलेक्स में लड़ाई होती है और भागते वक्त उसे गोली लग जाती है पर रुडोल्फो और चैमा एलेक्स को लेकर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद चैमा एलिसा को बोलता है कि एलरॉय ने खुद को मारने की कोशिश की है पर उसने ऐसा क्यों किया। एलेक्स बोलता है कि एलरॉय को सच शुरू से ही पता था कि सारा के बच्चे का बाप रुडोल्फो नहीं बल्कि कोई और है और उसने बस उसका गिल्ट उसे याद दिलाया है। तो एक दिन सीजर सारा से मिलता है और बोलता है कि अगर वो चाहे तो उसके साथ मजे कर सकती है और किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और ये सब एलरॉय देख रहा होता है। एलरॉय ये सब जाकर मरियाना को बताने की कोशिश करता है तभी वहां सीजर आ जाता है। एक दिन सारा सीजर को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और सीजर उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। तभी वहां सेजियो आ जाता है और सारा को लेकर अपने घर जाता है जहां सारा की नजर कुछ टेप्स पर पड़ती है जिसमें लड़कियों के नाम लिखे हुए होते हैं। सारा उनमें से एक टेप को चालू कर देती है जिसे देखकर वो काफी डर जाती है। तभी सीजियो वहां आ जाता है और बोलता है कि उसे ये सब नहीं देखना चाहिए था और सारा वहां से भाग जाती है। रुडोल्फो एलेक्स से पूछता है कि अगर सारा के बच्चे का बाप वो नहीं है तो फिर कौन है। एलेक्स बोलता है कि ये बात वो एलरॉय से जाकर पूछे। एलेक्स चैमा से उन वीडियोस के बारे में पूछता है जो चैमा और निकांड्रो ने उस वक्त रिकॉर्ड किया था। चैमा बोलता है कि वो वीडियो उसने खो दिया। एलिसा बोलती है कि उसने वो वीडियो एलेक्स के घर पर देखा है। एलेक्स बताता है कि किसी अननोन पर्सन ने वो वीडियो उसे भेजा था और वो उसे ढूंढ रहा है और रुडोल्फो के बारे में भी उसी ने उसे बताया है। दूसरी तरफ सीजियो सीजर को बोलता है तो हमारे सारे क्लाइंट हमें छोड़कर चले जाएंगे और महीने के आखिरी तक हम सड़क पर आ जाएंगे। सीजियो बताता है कि एलेक्स ने उनकी कंपनी के टैक्स फाइल को देख लिया है और ये उनके लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ एलिसा चैमा से उन वीडियोस के बारे में पूछती है कि उनमें ऐसा क्या था जिससे वो इतना डर रहा है। चैमा बोलता है कि अगर लोगों ने उस वीडियो को देख लिया तो उसकी बहुत बेइज्जती होगी। वहीं एलेक्स इमारा की फोटो देख रहा होता है। तभी एलिसा बताती है कि उसने इस लड़की के और रॉय के साथ कैसीनो में देखा है। एलेक्स एलिसा को फ्लोर की फोटो दिखाता है जिसका कुछ साल पहले मर्डर हो गया था और उसका पासपोर्ट अभी भी सीजर के पास है और ऐसी 4-5 और भी लड़कियां हैं। तो फ्लोर कोई और नहीं बल्कि कार्लोस की बेटी थी जिसे सीजर जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन का काम कराता था, जिसे उसने
ने बाद में मार दिया और कार्लोस को झूठे इल्जाम में जेल में डाल दिया, इसलिए वो अपने लॉकर की चाबी एलिस को देता है ताकि वो उससे बदला ले सके। ब्रूनो कसिनो जाता है और रुडोल्फो उससे रोकने की कोशिश करता है। ब्रूनो रुडोल्फो को बेसमेंट के अंदर लेकर जाता है जहाँ सभी लड़कियों को रखा गया था और बताता है कि उसे सीजर यहाँ लेकर आया था। वहीं क्लैरा चैमा को सोफिया और उसके डैड के अफेयर के बारे में बता देती है। दूसरी तरफ क्लैरा का बॉयफ्रेंड उसके घर आता है और उसे तंग करने की कोशिश करता है, पर क्लैरा उसे वहां से दफा होने के लिए बोलती है। वहीं एलिसा हॉस्पिटल एलरॉय से मिलने जाती है और एलरॉय से फ्लोर के बारे में पूछती है और एलरॉय उसे केवल एक वर्ड बोलता है, सेजियो। वहीं सोफिया सीजर से मिलने जाती है और बोलती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद सीजर उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। जिसके बाद रुडोल्फो अपने डैड सीजर से लड़कियों के बारे में पूछता है, पर सीजर बोलता है कि वो अपने प्रेग्नेंट बीवी को संभाले। जिसके बाद सोफिया रुडोल्फो को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, पर रुडोल्फो को ये पता था कि ये बच्चा उसका नहीं है क्योंकि सारा की डेथ के बाद उसने एक सर्जरी कराई थी जिस वजह से वो बाप नहीं बन सकता। दूसरी तरफ इमारा को किसी ने मार दिया है। रात में पूरी लेजिकानो फैमिली चैमा के घर डिनर पार्टी के लिए इकट्ठा होती है और चैमा सबको अपने डैड बनने के बारे में बताता है, पर इस बात को लेकर चैमा और उसके डैड में बहस हो जाती है और चैमा गुस्से में सीजर और सोफिया के अफेयर के बारे में सबको बता देता है और सबको पता चल जाता है कि सोफिया का बच्चा सीजर का है। दूसरी तरफ सीजियो एलेक्स से मिलता है और बोलता है कि सीजर ने जिन लोगों के साथ गलत किया है वो लोग अब उसके पीछे पड़ गए हैं और अब उसकी जान खतरे में है। एलेक्स उससे फ्लोर के बारे में पूछता है और सीजियो बोलता है कि वो उसे नहीं जानता और वो यहाँ अपनी जान बचाने आया है और वो उसकी हेल्प करेगा सीजर को ठिकाने लगाने में। जिसके बाद एलेक्स फोन पर किसी से मिलने की बात कर रहा होता है क्योंकि उसके पास कुछ ऐसा था जो उसे चाहिए था। तभी एलिसा जाग जाती है और एलिसा एलेक्स को बोलती है कि उसे सालों से एक ही सपना आ रहा है पर पता नहीं ऐसा क्यों है। तो एलिसा को बचपन से एक ही सपना आता है जिसमे वो एक बेसमेंट में जा रही होती है और एक बंदा एक लड़की को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है। तभी एलेक्स को बार बार किसी का कॉल आता है जिसे वो कट कर देता है। उधर ब्रूनो कसिनो इमारा के बारे में पूछता है पर किसी को कुछ नहीं होता। तभी एक लड़की आकर ब्रूनो को इशारा करती है कि इमारा अब मर चुकी है, पर ब्रूनो इस बात को नहीं समझ पाता। दूसरी तरफ रुडोल्फो सोफिया और सीजर के अफेयर की बात जानने के बाद काफी टूट जाता है और एलेक्स को बोलता है कि वो ना तो सोफिया से मिलना चाहता है और ना ही अपने डैड से कुछ पूछना चाहता है। एलेक्स निकैंड्रियो के बारे में पूछता है। रुडोल्फो बोलता है कि 7 साल पहले उसे निकैंड्रियो का एक ईमेल आया था जिसमें उसने कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके बाद में उससे कभी बात नहीं हुई। एलेक्स बोलता है कि 2 लोग रिकॉर्डिंग कर रहे थे जिसमें चैमा का वीडियो गुम हो गया है, मतलब निकैंड्रियो ही वो अननोन पर्सन है। दूसरी तरफ एलिसा कैसिनो के बेसमेंट में जाती है जहाँ ब्रूनो बेसमेंट के अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, पर सीजर ने कोड चेंज कर दिया था। ब्रूनो एलिसा को इमारा के बारे में बताता है जिसके बाद दोनों इमारा को ढूंढते हैं। तभी गार्ड एलिसा को बताता है कि जिस लड़की को तुम ढूंढ रही हो उसकी मौत हो गई है। एलेक्स रुडोल्फो को अपने घर लेकर आता है और उसे बोलता है कि वो यहाँ रह सकता है। जिसके बाद एलेक्स नेट पर निकैंड्रियो के बारे में सर्च करता है तो उसे निकैंड्रियो का डेथ सर्टिफिकेट मिलता है। एलेक्स डायना से पूछता है कि क्या वो जानते कि निकैंड्रियो की मौत कैसे हुई और वो एक गन की फोटो भेजती है जिसका मतलब निकैंड्रियो का भी खून हुआ था। तभी वहाँ एलिसा आ जाती है और एलेक्स को किसी का कॉल आने लगता है और एलेक्स कॉल कट कर देता है। तभी वहाँ मेरिफर आ जाती है जो कि सारा की बेस्ट फ्रेंड होती है और एलेक्स को एक टेप देती है जो सारा ने उसे दिया था जिसमें लिखा होता है फ्लोर। तो उस टेप में एक वीडियो होता है जिसमें एक बंदा फ्लोर को बहुत बुरी तरह से मार रहा होता है और उसकी मौत हो जाती है और एलिसा को जो सपना आता है वो भी फ्लोर का ही होता है। सारा ने यह सब सीजियो के घर देख लिया था। जिसके बाद सारा उस वीडियो टेप को मेरिफर को दे देती है और बोलती है कि अगर उसे कुछ हो गया तो वो पुलिस को दे देना। तो मेरिफर वही लड़की होती है जिससे सारा ने एक पार्टी में चैमा और एलेक्स से मिलाया था। एलिसा सबको बताती है कि इमारा अब मर चुकी है और रुडोल्फो बताता है कि उसके डैड और सीजियो कसिनो के बेसमेंट में प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चला रहे हैं और अब एलिसा को समझ आ जाता है कि उसे ऐसे सपने क्यों आते हैं। दूसरी तरफ ब्रूनो को न्यूज से पता चलता है कि इमारा अब मर चुकी है। तो एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सारा एलेक्स रुडोल्फो और चैमा के साथ ट्रिप पर जा रही होती है। तभी सारा को मेरिफर का कॉल आता है और वो काफी डरी हुई होती है और सारा से हेल्प मांगती है, पर सारा बोलती है कि अभी वो रुडोल्फो के साथ जा रही है और आकर उससे बात करेगी। सीजर सीजर को बताता है कि सारा को सब पता चल गया है। सीजर बोलता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं बताएगी। वहीं एलरॉय मरियाना को बता देता है कि सारा प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे का बाप सीजर है और मरियाना सारा को मारने का प्लान बनाती है और एलरॉय को जाकर पैराशूट की रस्सी काटने के लिए बोलती है और उसे वहां रहकर नजर रखने के लिए बोलती है कि चैमा और रुडोल्फो पहले ना जाए। एलिसा एलरॉय के पास जाती है और पूछते कि उन लड़कियों को कौन टॉर्चर कर रहा है। तभी वहां मरियाना आ जाती है और वो एलरॉय को मार देती है। एलेक्स को डायना का फिर से मैसेज आता है और वो कोई और नहीं बल्कि मेरिफर होती है और वो पूछती है कि क्या वो वीडियो को पुलिस को देने वाला है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो सीजर का सारा कारोबार खत्म हो जाएगा। रुडोल्फो घर जाता है और सोफिया को वहां से जाने के लिए बोलता है। सोफिया बोलते है कि ये बच्चा उसका है और रुडोल्फो सोफिया को अपनी सर्जरी के बारे में बता देता है कि वो कभी बाप नहीं बन सकता। लॉरेंजो बताता है कि उसकी कार को क्लेरा के बॉयफ्रेंड ने तोड़ दिया है
और अब वो लोग वहां नहीं रहेंगे और वो लोग एटलांटा जा रहे हैं उसके भाई एंटोनियो के घर। पर इस बात को लेकर चैम और लोरेंजो में बहस हो जाती है और लोरेंजो वहां से चला जाता है। वहीं एलिसा सीजर के पास आती है और सीजर बोलता है कि उसने सारा को नहीं मारा है और एलिसा अपने डैड को बोलती है कि अब वो उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती। एलेक्स ड्रिंक पी रहा होता है तभी वो नीचे गिर जाता है और उसको एक डायरी मिलती है जो सारा की होती है जिसमें काफी अजीब से फोटोज बने हुए होते हैं और लिखा होता है कि क्या हो अगर वो उनकी जितनी पागल हो और मैं मरना चाहती हूँ हेल्प। और एक फोटो होता है जिसमें पेड़ के नीचे ग्रेव बना हुआ होता है जिसके बाद एलेक्स एलिसा को कॉल करता है और एलिसा के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि अब तक उन्हें जो लग रहा था वो सब गलत है। और एलेक्स घर के बाहर जाकर पेड़ के नीचे खुदाई करता है जहाँ एलेक्स को एक स्केलेटन मिलता है जिसे सीजर ने गोली मारी थी पर फिलहाल हमें नहीं पता कि वो कौन है। तभी वहाँ एलिसा आ जाती है और दी एंड। और नेक्स्ट सीजन के लिए हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स को कोई आइडिया नहीं होता कि वो बॉडी किसकी है और सारा के पास से जुड़ी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो एलेक्स को नहीं पता। मैरिफर एलेक्स को बताती है कि वो सारा की बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी पर बाद में वो लोग एक दूसरे से नफरत करने लगे थे। और एक डॉक्टर एलेक्स को बताता है कि सारा एक साइकोपैथ थी और वो वैसा नहीं थी जैसा वो दिखती थी और अगर उसकी सच्चाई सामने आ गई तो उसे लेने के देने पड़ जाएंगे। और सीरीज हमारे सामने काफी सारे क्वेश्चन भी छोड़ जाती है जिसका आंसर तो हमें सीजन 2 में ही मिलेगा, जैसे क्या एलरॉय जिंदा है या मर गया, मैरिफर को इतना सब कुछ कैसे पता है और वो सारा से हेल्प क्यों मांगती है, निक एंड्रू को क्या हुआ और उसे किसने मारा, और सबसे बड़ा क्वेश्चन वो डेड बॉडी किसकी है जिसे सीजर ने गोली मारी थी। खैर इसी के साथ वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।